हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डाइस, जो कि आपको पता है कि ये रीजनिंग का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे हम क्या है, आपको कंप्लीट टॉपिक कराएंगे अपने सिंगल वीडियो में, जो आपको हेल्पफुल रहेगा एसएससी, यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी, पीटीसी, टेट, मीन्स आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है वहाँ पे आपका क्या है, डाइस पूछा ही जाता है। और ये हम आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट रहता है। इम्पोर्टेंट मीन्स इसलिए रहता है कि आपका क्या, आप डाइस का क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, मीन्स कोई टाइम वेस्ट नहीं होता आपका, कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो हम आपके लिए ऐसी ट्रिक्स लेके आए जिनसे क्या, आप इतनी हमारी इस आसान ट्रिक्स से 2 सेकंड में आप एक कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे वो फुल एक्यूरेसी के साथ, ठीक। और आपको अगर मतलब कोई किसी भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारा है रीजनिंग टू बैंक, जिसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। अभी तक आपने हमारा चैनल आरएसए क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो या न्यू वीडियो आपके पास पहले से सबसे पहले पहुंच सके और आपका क्या इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कंप्लीट चलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब्स एंड डाइस। तो हम आपको बता देते हैं जो आपका डाइस होता है, डाइस को क्या बोलते हैं, हम पासा भी बोलते हैं। डाइस को क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं, ठीक। तो आपने बचपन में भी देखा होगा, जो आपका पासा होता है आपने बचपन में खेला होगा, जो लूडो खेलते हैं वहां पे भी पासा का यूज किया जाता है, ठीक। तो आपको हम पासा बता देते हैं, पासा क्या होता है। या तो आपका क्यूब शेप का हो सकता है, किस शेप का, क्यूब शेप का हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है किसका, क्यूबॉइड का, मींस आपका पासा घन हो सकता है या फिर घनाकृति का पासा हो सकता है, जिसमें आपके क्या होता है, सिक्स फेस होते हैं। मतलब क्या होता है, सिक्स फेस होते हैं, जैसे आपकी दीवार मतलब आपका जो रूम होता है उसी तरह से पासा का भी फेस होता है, ठीक। तो सिक्स फेस पे आपका क्या होता है, वन से लेके वन टू सिक्स तक नंबरिंग होती है, जिस तरह से क्या कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह से उसकी नंबरिंग होती है, ठीक है ना। तो अब एग्जाम में आपको पासा पढ़ते क्यों और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो मींस आपके एग्जाम में क्या होता है, आपको एक पासा दे दिया जाता है और उसके थ्री फेस दिखा दिए जाते हैं। तो तीन फेस आपको क्या हो सकता है, एक तो आपका फ्रंट फेस होगा, तो जब आपको फ्रंट फेस दिख रहा होता है तो उसमें क्या होता है, जो उसका अपोजिट फेस फेस होता है, बैक सरफेस आपको नहीं दिखेगा। मीन्स क्या होता है, देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं, इसमें फ्रंट फेस दिखेगा, मीन्स आपका अमल मान लीजिए फ्रंट फेस फेस पे क्या आपका थ्री आ रहा है, थ्री आपको दिखेगा, तो इसके अपोजिट जो भी फेस होगा वो आपको नहीं दिखेगा। इसी तरह से आपको क्या दिखता है, टॉप सरफेस दिखता है, पासा का टॉप सरफेस दिखता है, मीन्स आपको यहाँ पे हम पासा बना के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आपका ये क्या है, यहाँ पे एक आपके लिए हम पासा बना रहे हैं, तो आप उससे समझ सकते हैं क्या होता है एग्जाम में पासे के साथ। देखिए आपका ये एक पासा बन के तैयार होने जा रहा है, ठीक है ना। तो आप इस पासे में देखिए, इस पासे में आपको क्या है कि आपको यहाँ पे आपको थ्री फेस दिख रहे हैं, कितने, थ्री फेस, जिस मेन से आपका देखो ये हमारा क्या फ्रंट फेस, तो देखिए आपका ये हो गया फ्रंट फेस, यहाँ पे हमने थ्री लिख दिया। अब इसका फ्रंट का बैक आपको नहीं दिखा, बट आप यहाँ पे देखिए टॉप सरफेस, टॉप पे हम लिख देते हैं फोर, मीन्स आपका यहाँ पे टॉप क्या हो, फोर हो गया। तो अगर आपको टॉप सरफेस दिखेगा तो टॉप सरफेस के नीचे आपका क्या होगा, बॉटम सरफेस, जो कि आपको नहीं दिखेगा, इसके नीचे होगा, ठीक। और एक आपको होता है राइट सरफेस, तो ये आपका राइट सरफेस है, मींस हमने यहाँ पे लिख दिया फाइव, तो आपको जब राइट सरफेस है वो दिखेगा तो इसके पास क्या होगा, लेफ्ट सरफेस आपको नहीं दिखेगा। तो मींस आपको क्या होता है, थ्री फेस पासे के आपको दिखते हैं और थ्री फेस पासे के आपको नहीं दिखते, ठीक। तो आपको कौन से फेस दिखते हैं, फ्रंट फेस दिखेगा तो बैक नहीं, टॉप दिखेगा तो बॉटम नहीं, और राइट दिखेगा तो लेफ्ट नहीं। इसको आप हिंदी में, जिसको हिंदी में समझ आता है तो हिंदी में देख सकते हैं कि सामने की सतह, पीछे की सतह, ऊपर की, नीचे की, दाई और बाई, इस तरह से। जिन बच्चों को हिंदी में कंफर्ट रहता है उसके लिए हमने हिंदी में भी इसको लिए लिख दिया है, और जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में भी आपको यहाँ से कंप्लीट से समझ में आएगा। हमने आपको क्या पासे के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम पासे में रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। तो आपका जो पासा होता है, डाइस होता है, तो डाइस में आपका क्या रहता है, आपका थ्री टाइप के मेनली क्वेश्चंस आपके डाइस से पूछे जाते हैं, जिसको हम क्या यहाँ पे अपनी शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एक बार हमारी कंप्लीट वीडियो देख लेंगे तो आपको क्या होगा, आपके पासे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टाइप पे। तो इसका जो फर्स्ट टाइप होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मीन्स मानक पासा। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसकी पहचान क्या होती है कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो टू एडजेसेंट, अब देखो जो एडजेसेंट सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, जो होते हैं आपके पास में आने वाले, एक दूसरे से टच किए हुए, तो आपके जो पास आए, देखिए आप इस स्फीयर को देखिए, इसमें क्या है, इसके एडजेसेंट सरफेस क्या होगा, टू का एडजेसेंट में क्या आएगा, थ्री आएगा, थ्री के एडजेसेंट में क्या आएगा, वन आएगा।
तो ये आपके जो एडजेसेंट सरफेस हैं इनका जो सम, किसी भी टू एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। आप जोड़ के देखिए, आप 2 और 3 कितना होता है 5, 1 और 3 कितना होता है 4, मतलब 7 नहीं है। ठीक, तो ये हमारा क्या क्लियर हो गया, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस। तो अब इसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताइए 3 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है। तो आप इसके अपोजिट कैसे होता है, अगर हमारे जब स्टैंडर्ड डाइस है तो इसमें क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज 7। क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट सरफेस इज 7, मीन्स आप जिसको इसका जो अपोजिट सरफेस होगा उसका सम करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो देखो 1 और +6 करेंगे, यहाँ लिखते हैं, देखो 1 + 6 करेंगे तो क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 + 6 होता है 7। तो हमें पता चल गया ये कैसा है, हमारा स्टैंडर्ड डायस है। और जब स्टैंडर्ड डायस है तो इसके इसका क्या होता है, अपोजिट सरफेस का सम करने के बाद क्या आता है, 7 आता है। इसी तरह से आपका 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 रहेगा, क्योंकि जोड़ने पे क्या आएगा, 7 आएगा। 3 का अपोजिट 4 होगा, जोड़ने पे क्या होगा, 7 आएगा। तो हमारा पहला टाइप आपने देखा होगा, कितनी आसानी से आप फर्स्ट टाइप को समझ गए, जो कि हमारा क्या, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, जब हम आप फर्स्ट टाइप समझ चुके हो तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि आता है जनरल डाइस, सामान्य पासा। ठीक, तो सामान्य पासा होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या होता है उसमें, कैसे पता चलेगा ये सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा होता है उसमें क्या होता है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस 7, मतलब क्या होता है, जो दो संलग्न सरफेस होते हैं उनका सम क्या होता है, 7 होता है। तो कोई भी दो सकते हैं, मीन्स क्या होता है, कोई भी दो सरफेस हो सकते हैं, एनी ऑफ टू। तो क्या होगा, एनी ऑफ टू क्या 4 और 3 क्या होगा, 7 होगा। तो हमारा मिल गया, या फिर 1 और 3 करेंगे 7 नहीं हो रहा, बट हमें क्या है, एनी कोई भी चाहिए, तो 4 और 3 क्या हो गया, 7 हो गया। तो जब ये 4 और 3 हमारा 7 हो गया, तो ये हमारा कौन सा डाइस हो गया, ये हमारा डाइस हो गया जनरल डाइस। ठीक, तो इसका अपोजिट हम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या, जब जनरल डाइस होता है तो उसका अपोजिट कैसे आता है, जैसे हम बन, अगर आपसे पूछे बन का अपोजिट क्या होगा, तो क्या हो सकता है आपका, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि जो सीन हो रहा है दिख रहा है वो तो हो नहीं सकता, बट जो बचा है वो कुछ भी हो सकता है। आप बताइए मेरे साथ में, आप बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 3 का अपोजिट आपका क्या होगा भाई, 3 का अपोजिट भी क्या होगा, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और आपका 6 हो सकता है। और इसी तरह से अगर आपको सेम पूछा जाए 3 के अपोजिट के बाद क्या बचा आपका, आपका बचता है यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या हो सकता है। देखिए 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, सेम आपका 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, और आपका 6 हो सकता है। तो ये किसका होगा, 4 का अपोजिट होगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये होगा हमारा जनरल डाइस, सामान्य पासा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य पासा। तो आई होप आपने 2 टाइप डाइस के सीख लिए होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे। तुम्हारे जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, व्हेन टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन, मींस क्या कि हम जब पासा खेलते हैं, पासा फेंकते हैं, तो हमने क्या किया, हमने एक बार पासा फेंका, फर्स्ट टाइम हमने पासा फेंका, तो उसके जो नंबर आए वो आया 3, 4, 6। हमने क्या किया, सेम टू दूसरी बार पासा फेंका, उसके नंबर आए आपके 6, 5, 1। दो बार हमने क्या किया, पासा को फेंका। तो जब दो बार हम पासा फेंकते हैं तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं, तो क्या है, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन, मींस क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो हमने दो बार पासा फेंका है उसमें फेंका है, उसमें क्या है कि हमारा जो एक सरफेस है वन सरफेस क्या है, कॉमन। तो यहाँ कॉमन देखिए क्या है, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, तो एक सरफेस क्या है, कॉमन। तो इस तरह का जब पासा आपके निकल के आते हैं दो फेस वाले, टू पोजिशन वाले, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो जो कॉमन सरफेस होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ लिख लिया 6 और यहाँ लिख लिया 6, ये हमारा क्या है, कॉमन सरफेस है। जब कॉमन सरफेस लिख लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसी कॉमन सरफेस से हम क्या करते हैं, पासा के क्लॉक डायरेक्शन में जाते हैं। देखिए 6 का क्लॉक डायरेक्शन किधर जाएगा, ए आपका 6 बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, हमने क्या किया लिख लिया। सेम हम नीचे जाएंगे तो 6 के बाद इसमें क्या आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा। जैसे हम लिख लेते हैं तो इसका आंसर कैसे आता, अब आपसे कुछ भी कोई पूछ ले, आपने क्या चेक कर लिया हमारा क्या है, टू पोजिशन कॉमन वाला वो पासा है, तो आप इसमें कैसे निकालेंगे, आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, दिख रहा है ना। उसी तरह से 4 के अपोजिट, 4 के जो अपोजिट होगा वो क्या आपका होगा, 1 होगा। अब क्या बचा आपका, अब बचा 6, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, देखिए 6 का अपोजिट क्या होगा, जो बचेगा वो अपोजिट हो जाएगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। मीन्स हमने क्या किया, सारे फेस के अपोजिट क्या होगा वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो हमने क्या किया, अपना एक टाइप और अपना खत्म कर लिया, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है और उसको सेम पोजीशन के हिसाब से रिटर्न करना है, और उसका जो अपोजिट होगा वही इसके निकाल देना। अब चलते हैं अपना आगे।
आगे क्या किया हमने, क्योंकि इसमें एक एग्जांपल लेके आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड, हमने क्या किया यहाँ पे, वेयर वन सरफेस कॉमन, तो ये हमारा एग्जांपल है उसी से, वन सरफेस कॉमन से। तो इसमें आप बताना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या, फाइव और फाइव, तो यहाँ पे फाइव फाइव कॉमन है, एक नया एग्जाम्पल है, तो आप बता सकते हैं खुद, हमसे पूछेंगे, हमने यहाँ लिख दिया फाइव का पूछ क्या हुआ। देखो फाइव लिखा, इसके बाद क्लॉक डायरेक्शन किधर रहेगी, ये जाएगी थ्री और टू आ गया। अब यहाँ पे हमने जब फाइव लिखा तो क्या होगा, क्लॉक डायरेक्शन फोर और बनाए, आप बताइए फाइव के अपोजिट क्या होगा। तो हमें क्या देखना है कि इसमें जो नहीं दिखेगा वो क्या हो जाएगा, फाइव के अपोजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, सिक्स हो गया, थ्री के अपोजिट क्या हुआ, फोर हुआ, टू के अपोजिट क्या हुआ, वन हुआ। तो हमने क्या है, पहला टाइप हमें आपको इसका टू फेस वाला सही से बता दिया, टू पोजिशन का, ठीक है ना। अब चलते हैं इसमें केस सेकंड, देखो टू पोजिशन हो बट उसमें क्या हो, टू सरफेस आर कॉमन, भाई टू पोजिशन है, देखो पोजिशन फर्स्ट ये है पासे की और सेकंड पोजिशन क्या है ये है, बट क्या हो इसमें, टू सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन है। देखिए अब इसमें क्या क्या कॉमन है, आपके देख पा रहे हैं, देखिए थ्री यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी थ्री कॉमन है, फाइव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो क्या हो गया, हमने टू सरफेस कॉमन कर ली। तो जब टू सरफेस कॉमन होता है तो इसको अपोजिट कैसे निकालते हैं, देखिए जो सरफेस बचता है फोर और वन, तो क्या हो जाए, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट हो जाते हैं, अपने से ही अपोजिट हो जाते हैं। तो इसका वन का अपोजिट क्या हो गया, फोर हो गया। अब थ्री का अपोजिट क्या होगा, तो जो बच जाता है आपका क्या बचा, टू और सिक्स, तो थ्री का अपोजिट क्या होगा, टू एंड सिक्स क्या होगा आपका, थ्री का अपोजिट होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या बचा, फाइव, फाइव का अपोजिट क्या होगा, देखो फाइव का अपोजिट क्या होगा आपका, फाइव का अपोजिट होगा टू एंड सिक्स, तो ये क्या होगा, फाइव का अपोजिट होगा, ठीक है। हमने अपना एक क्या नया टाइप और हमने क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, तो नेक्स्ट टाइप क्या है, ये हमारा क्या है, देखिए हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड डायस, सेकंड पढ़ा था हमने क्या, जनरल डायस, और थर्ड में हमने क्या करना है कि जब दो पोजीशन दे रखी हो, दो पोजीशन में भी हमने तीन केस है, फर्स्ट केस क्या है हमारा, जब वन फेस कॉमन हो, सेकंड फेस क्या है, जब टू फेस कॉमन हो। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड केस को, थर्ड केस में क्या है, व्हेन नो सरफेस इज कॉमन, मीन्स क्या है, यहाँ पे कोई भी सरफेस क्या ना हो, कॉमन ना हो। देखिए यहाँ पे कोई सरफेस कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे, तो अपोजिट क्या हो जाता है, जिस फेस पे जो दिख रहा है, मतलब फ्रंट पे जो दिख रहा है वही फ्रंट का उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। टॉप पे जो है वो टॉप का उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए टू का अपोजिट क्या है, देखिए टू फ्रंट पे है तो फ्रंट पे क्या है, वन है। सिक्स टॉप पे है, टॉप का अपोजिट क्या होगा, टॉप होगा तो थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका क्या, फाइव का क्या है, राइट सरफेस है, तो क्या हो जाएगा, फाइव का राइट सरफेस क्या होगा, फोर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया सेकंड टाइप, वो आपका थर्ड टाइप कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की, आपको ये समझ में आई गया होगा, ठीक है ना, आप इसको रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं, बस एक बार में आप समझ ही जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने नए टाइप पे, तो न्यू टाइप बहुत सिंपल है ये भाई, ये होता है ओपन डायस। तो ओपन डायस अगर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत टाइप है, बट आपने अगर पढ़ लिया हमारी वीडियो में तो क्या बहुत सिंपल होता है आपका, क्या ओपन डाइस मीन्स क्या, यहाँ पे इसका मतलब होता है ओपन, मतलब खुला हुआ, मतलब यहाँ पे क्या है आपका जो डाइस है वो क्या है, हमने ओपन कर दिया है, खोल दिया है, खुला पासा इसे बोल सकते हैं, खुला पासा ओपन डाइस। तो इसको कैसे हम निकालते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट में देखिए, देखिए आपका ये पासा दे रखा है, तो क्या होता है आपको क्या करना है, सेम लाइन में एक को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, वन का अपोजिट क्या होगा, थ्री होगा, फोर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। अब जो बचेगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा, मीन आप यहाँ पे देख सकते हो, वन का अपोजिट क्या हुआ, थ्री हो गया, और फोर का अपोजिट क्या हो गया, सिक्स हो गया। अब क्या बचा, टू, भाई टू का अपोजिट क्या हो गया, फाइव हो गया, क्योंकि हमारे पास फेस तो सिक्स है भाई, जो फेस होते हैं वो कंप्लीट सिक्स होते हैं। अब सिक्स हमारे अगर सारे आगे कुछ बचा ही नहीं, मीन हमारा इसका आंसर क्या हो गया आपका, निकल आया, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इसमें बता सकते हो आप खुद ही, भाई वन का अपोजिट क्या होगा, फाइव हो जाएगा, यहाँ लिखते जा रहे हैं, वन का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, टू का अपोजिट क्या होगा, फोर होगा, और थ्री का पॉइंट क्या होगा, सिक्स। बच्चे आप बोल पा रहे हो सर ये तो बहुत सिंपल है, हाँ तो ये सिंपल होता ही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये भी बता देते हैं, इस तरह का अगर ओपन जैक्स दिया हुआ तो क्या होगा, टू का पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, थ्री का पॉइंट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, अब जो बचा हुआ इसका हो जाएगा, वन का पॉइंट क्या होगा, सिक्स होगा। हमने ये भी आपको बता दिया। अब देखिए ये देखिए, एक हमने क्या एग्जाम्पल दे दिया कि आप बताओगे कौन सा जैक्स है। तो यहाँ पे देखिए, देखो पहले आपको चेक करना है कि जो एडजेसेंट सरफेस है उसका सम सेवन है कि नहीं। तो देखिए टू और फोर क्या होता है, सिक्स होता है, मीन सेवन नहीं है, तो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड डायस होगा। तो जब स्टैंडर्ड डायस है तो वन का अपोजिट क्या होगा आपका, होता है सिक्स हो जाएगा, क्योंकि तभी तो आपका सेवन होगा, ठीक है ना। अब टू का सरफेस क्या होगा, टू का फाइव हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। और ये फोर का अपोजिट क्या होगा,
फोर का अपोजिट क्या हो जाएगा, फोर का थ्री हो जाएगा, तभी तो आपका सेवन आएगा, मीन्स आपका ये इसमें अपोजिट सरफेस निकाल दिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपने कंप्लीट डाइस पढ़ लिया। अब आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे इससे अलग नहीं आएगा। चलिए अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस क्वेश्चंस को देख लीजिए, इसमें देखो आप क्या दिया हुआ है, आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए तो क्या है, आप बताना है आपको क्या है। देखिए तो यहाँ पे देखो 3 5 4 और 6 5 1, मीन्स यहाँ पे क्या है, टू फेस डाइस है भाई, टू जो आपका टू पोजिशन दे रखी है, टू पोजिशन में 5 कॉमन है, तो जब 5 कॉमन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल दो, तो 5 6 1 भाई आपका क्या चलेगा, तो ये ले लिया यहाँ पे 5 भाई, इसको भी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है। चेक करिए पहले आप, ये क्लॉक डायरेक्शन में चलना है, क्लॉक ये चलती है 5 6 1, ठीक है, और या 5 4 3, ठीक है, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नहीं है वो अपोजिट 2 हो जाएगा, मतलब सही है, ये आपने देख लिया किसका है, ये 1 फेस कॉमन का। अब यहाँ पे ओपन डाइस का दे रखा है तो आप बता सकते हो, आप बताइए मेरे को, बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितनी जल्दी से आंसर निकला, आप देखो 2 सेकंड से भी कम समय में निकल रहा है। अब चलते हैं हम आगे और देखिए और क्वेश्चन हम आपके लेके आए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले 2 फेस दे रखे हैं, 2 फेस में क्या देखना होता है, कॉमन फेस देखना होता है, कॉमन फेस देखना है तो लिखिए 3 लिखा, हमने क्या करना है, राइट चलना है, क्लॉक डायरेक्शन 3 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, हमने लिख लिया। अब आगे चलते आगे चलते आगे देखिए क्या है, 3 आपका यहाँ कॉमन है, लिख लिया हमने 3, लिख लिया 3 के बाद क्या जाता है, 3 के बाद जाइए आप 6 देखा, आपने क्या देखा, 6 देखा, 6 लिख लिया, फिर देखा आपने क्या, 4 देखा। अब आपको यहाँ पता चल गया, देखिए आपको लिखने से पता चल गया कि 2 फेस यहाँ पे कॉमन है, जब आपके 2 फेस कॉमन है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए बचा क्या है, 2 बचा है, 5 बचा है, 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 एंड 5, इसी तरह से आपका 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 एंड 5, मीन से आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। बट यहाँ पे एग्जाम में हमें क्या पूछा जाएगा, ओनली एक चीज पूछा है, या तो 1 का अपोजिट या 3 का या फिर 6 का, मतलब आप यहाँ 2 सेकंड में आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। तो आपका देखो यहाँ पे आपके आंसर आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फाइंड कीजिए क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, हमें चेक करना होता है कौन सा डायस है, टू फेस दे रखे हैं, जब 2 फेस दे रखे हैं तो उस फेस में आपको देखना कॉमन क्या है। देखिए कॉमन आपको सिंपल आप लिख लीजिए पहले, देखिए सिंपल होता है, आपने 3 दिख रहा है कॉमन, 3 लिख लीजिए, आप इसी में लिख सकते हैं। तो आप इसको जाना क्या, क्लॉक डायरेक्शन, तो 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, मीन्स हमने यहाँ पे 3 देखा, 3 लिख लिया भाई, हमें नहीं देखना उसमें क्या है, 2 फेस कॉमन है या सिंगल फेस कॉमन भी नहीं है, हमें बस लिख लेना है। तो हमने क्या लिख लिया, 5 लिख लिया, 1 लिख लिया। अब देखिए हमें पता चल गया, क्या पता चल गया, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 फेस कॉमन दे रखे हैं, 1 और 3 दोनों कॉमन दे रखे हैं, मतलब क्या सेम क्वेश्चन है हमारा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ वो 3 का अपोजिट हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट क्या निकलेगा, 3 का अपोजिट निकलेगा आपका 4 बार रह गया है, 4 के बाद आपका क्या है, 6 रह गया है, सेम आपका किसका है, आपका 1 का, तो 1 का होगा 4 और 6, तो हमारा ये भी आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हमें, यहाँ पे कौन सा जायस दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ओपन जायस, तो ओपन जायस हमने बताया था कितना सिंपल होता है, यहाँ पे अगर आपको कोई बोले 1 का अपोजिट बताना है, चलिए 1 का अपोजिट बताइए, 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, लिख लीजिए यहाँ पे, लिखते भाई 3 का अपोजिट क्या निकला, जो हमारा 3 का अपोजिट निकला क्या निकला, 6 निकला, तो हम लिख लेते हैं 3 का अपोजिट क्या है, 6 है, 3 का अपोजिट क्या है, 6 है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 2 से जाएंगे तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, भाई 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जब 2 का अपोजिट 5 तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, भाई ये आ गया हमारा आंसर। देखिए चुटकियों में हमने आंसर निकाला, डायस कंप्लीट कर लिया, आपको पता भी नहीं चला होगा, बस आप आइए पढ़िए और इंटरटेनमेंट होते हुए अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो आप देख पा रहे हो कितना सिंपल होता है डायस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए आप आइए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और थैंक यू, और हमारे चैनल पर आप आते रहिए और इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए। ओके।